द थिंग इज के वॉट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट ना दिस विल बी फिनल दिस विल बी फिनल जो देखने वाले वजीफे थे या बसरी दुआ या ये कि विजअल्स अप्लिकेशन दैट वर्स एंड इट वर्स बिट बॉक्स म्यूजिक मेरिकल सेम एज द कुरान बॉक्स इन रीडिंग इन लिस्निंग एंड क्या कहते हैं उसे सीइंग उसी तरह वो सीइंग तो वही है तो वो काम करता है आपने कुरान को देखा बस उसको वो आपकी इबादत के जबिये में चला गया निगाह के उससे क्योंकि मीडियम आपका लाइट है खैर वो तो एक अलग चीज़ है बट द मेन थिंग दैट वर्कस नाउ वॉट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट इज़ अभी तजर्बा शुरू कर दिया है मैंने और किसी ने ए, और ए, एक चीज़ बनाऊँगा जो कि मेडिटेशन भी होगी और दुआ भी होगी वो मेडिटेशन प्लस दुआ होगी ठीक है ना अभी तक तो हम खुद कर रहे हैं ना अभी तक तो हम खुद कर रहे हैं नोट पकड़ के या विश मेडिटेशन है लड्डू मेडिटेशन है या ये कि क्या कहते हैं नेक्स्ट लेवल दम है जो भी है वो मेडिटेशन टेक्निक्स हैं सारी वो खुद कर रहे हैं और आप हमारे साथ कर रहे हैं अब जो है जो चीज़ क्रिएट करने जा रहा हूँ वो आप खुद करोगे और यूट्यूब पर होगा मैं कोई ऐसी चीज़ करने जा रहा हूँ विच एम ट्राइंग टू क्रिएट कि अगर हो गया ये ये फिनमिनल चीज़ होगी स्पेशली फॉर द पीपल हु आर इन नीड एंड पोर फॉर देम दिस इज के आप स्क्रीन पर हाथ रखोगे स्क्रीन ऑन हो जाएगी उसके बाद कुछ आवाज़ आएगी और आप स्क्रीन पर हाथ रख दोगे एंड देन यू स्टार्ट योर मेडिटेशन भले वो चार मिनट हो आठ मिनट हो जो भी टाइम उस वीडियो के अंदर होगी उससे पहले जो काम करोगे जो उसके कॉमेंट में ना वहाँ पर एक दफ़ा जा आप अपना मेडिटेशन जो भी आपने करनी है कि हड़ाराम को इस चैट से ब्लॉक करा दो एक मैं बात कर रहा हूँ हडाराम को इस चैट से ब्लॉक करा दो आपने कमेंट में लिखा और फिर उसके बाद आपने वीडियो ऑन की वीडियो तो ऑन ही है फिर घंटी बजी फिर आपने हाथ रख दिया उसके ऊपर और फिर मेडिटेट करना हड़ाराम को इस चैट से ब्लॉक दिमाग में वो ही चीज़ आपने बेसिकली तस्वुर की सोच की चीज़ को रिक्रिएट करना सोच की चीज़ को रिक्रिएट क्रिएट तो अब आप बोलोगे क्रिएट क्यों नहीं कर रहे क्योंकि वो क्रिएट तो आपने कर दी लिख के आपने जब आपने लिखा कि हड को इस चैट से ब्लॉक करा दो तो यू है बेसिकली क्रिएटेड इवेंट दैट विल हैपन इन द फ्यूचर इन द कमेंट बॉक्स यू हैव क्रिएटेड दैट और फिर जो है उसको रिक्रिएट आप अपने जो सेंसेस है सोच की सेंस मतलब हवा से खमसा और उसके बाद फील जो आपकी सबसे पावरफुल जो जो क्या कहते हैं उसको सबसे क्लोज आपके जिसके लिए यानी कि हर ऑब्जेक्ट को आपके पास होना चाहिए वरना ये हो नहीं सकता दैट इज़ टच वो आप स्क्रीन पे हाथ रखोगे अब जो भी चल रहा हो स्क्रीन पे वो हम अभी सोच रहे हैं कि क्या चलाना है क्या नहीं चलाना वो आप करोगे और फिर वो रिक्रिएट होगी क्रिएट यू हैव डन इट यू हैव बेसिकली रिटर्न अ फ्यूचर इवेंट इन द प्रेजेंट यू हैव रिचर्न अ फ्यूचर इवेंट इन द प्रजेंट बट स्टिल आई एम वर्किंग ऑन एट टाइम लग जाएगा जितना टाइम भी बट दिस विल भी बी समिंग दैट विल भी क्या कहते हैं उसे लाइफ चेंजिंग होगा इससे बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं फीस के बंदोबस्त ज़मीन का झगड़ा ज़मीन नहीं बिक्री हिस्सा नहीं मिलता मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा सास का अजाब क्या कहते हैं बहू का शर नंद का अजाब और क्या कहते हैं शोहर की कचक -कच. बीवी का अजाब बीवी की कच, -कच जितने प्रॉब्लम्स हैं लोन नो लोन बैंकों का मसला कोर्ट केसेस जो भी हैं वो आप बेसिकली मेडिटेट करोगे यू विल क्रिएटिड फर्स्ट बाय राइटिंग इट अ फ्यूचर इवेंट इन द प्रेजेंट एंड देन व्हाट यू विल डू इज यू विल रिक्रिएट व्हाट यू हैव रिटन ऑफ द फ्यूचर इन द प्रेजेंट आप रिक्रिएट करोगे उसको प्रेजेंट में जब आप मेडिटेट करोगे सोच की जोर से खैर जो भी है This is another thing. <laughs>